हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग तो ये भी जान गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आज से हम लोग 10th कहिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट होगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, होगा प्रकाश का प्रवर्धन, और इसको हम 10 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को 10 पार्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और सबसे बड़ी सबसे मजे की बात तो ये है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश, स्पेशली जो अपना टारगेट होगा वो तो दोनों ही है, बट हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे और हम हिंदी में आपको बोलते जाएंगे, आपको कॉपी पेन लेके और नोट्स करते रहना है, ठीक है ना। और उम्मीद करूंगा कि काफी आपको इजी तरीके से इसको सिखाया जा सके। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग अभी तक 11th 12th ही बना रहे थे, बट आप लोगों का प्यार देख के लगा कि आप बच्चों के लिए 9th 10th भी करना चाहिए। अब 9th के भी वीडियो अपलोड होंगी, ठीक है, और हो सकता है तो कल से पूजा मैम 10th की वीडियो बनाएंगी, बायो की वीडियो भी कल से आने लगेंगी, फिर धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री के वीडियो बीच में डालने लगेंगे। तो अभी तो हम लोग आज बस यही पढ़ने वाले हैं, और आप लोग देखिए और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि हमारा मेन जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अप्रॉक्स 10 पॉइंट्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज देखिए आप लोग, हम लोग आज सबसे पहला जो पहले होगा लाइट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रकाश और उसके गुण, मतलब प्रकाश क्या होता है और उसके गुण कौन कौन से होते हैं, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और देखिए देखते हैं, देखो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला कि आज हम लोग लाइट के पढ़ने वाले हैं, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके बारे में हम जानेंगे कि लाइट कैसे होता है, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, बट हम इसमें उतना ही जानेंगे जो हमारे 10th में जानने के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए और हम देखते हैं कि ये लाइट के बारे में, लाइट क्या होता है। तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या होता है? एक ऊर्जा है, प्रकाश का एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या देख पाने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाने में सक्षम होते हैं। आप लोग जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो नोट्स करते रहिएगा और लेके लिखते रहिएगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको समझा दिया ही है। तो आइए फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या देखते हैं, लाइट, रे ऑफ, फिर एक बार और समझते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज मतलब इसके क्या क्या गुण होते हैं लाइट में। तो प्रॉपर्टीज हम लोग अब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है इसका कि रेज ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? फर्स्ट, रेज ऑफ लाइट ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश किरणें होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है। जैसे हम एक टार्च ले लें और उसका फोकस मारें तो फोकस हमेशा सीधी रेखा में जाती है, प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में जाती है, वो कहीं मुड़ती नहीं है। तो वही लिखा हुआ है, रेज ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में जाती है। जैसे हम टॉर्च को फोकस करते हैं तो फोकस एकदम सीधी रेखा में जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको बता सकते हो कि प्रकाश किरणें हमेशा क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा अपना क्या होता है और उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट के बारे में देखेंगे। द स्पीड इन लाइट इन वैक्यूम एंड एयर इज 3×10⁸ m/s आर 3 lakhs km/s, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम एंड एयर इज 3×10⁸ m/s आर 3 lakh km/s। मतलब वायु और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग 3×10⁸ m/s या 3 lakh km/s होता है। मैंने क्या बोला, वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 किलो
3×10^8 m/s या 3 लाख होता है। थर्ड रूल देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई द लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्षों में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक बात समझो, डुअल नेचर ऑफ लाइट पार्टिकल आर वेव, मतलब क्या होता है? डुअल नेचर ऑफ लाइट पार्टिकल्स आर वेव, मतलब क्या होता है? प्रकाश का द्वैती प्रकृति होता है। कभी कभी वो कण के भांति व्यवहार करता है, कभी कभी वो तरंग के भांति व्यवहार करता है। डुअल नेचर का मतलब हो गया द्वैती प्रकृति। द्वैती प्रकृति मतलब हम लोग बोलते हैं ना, कोई कोई ऐसे बंदे भी होते हैं जिसके दो नेचर होता है, मतलब दो तरफ रहते हैं। वो हमसे भी कुछ, हमारे भी बारे में बात करते हैं, आपके भी बारे में बात करते हैं। इसको कुछ वर्डिंग में दोगला प्रकृति भी बोलते हैं। दोगला का मतलब ये हो गया जैसे दो भांति, दो तरफ काम करना, मतलब किसी एक व्यक्ति के साथ न रहना, दोनों तरफ जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो द्वैती प्रकृति का मतलब होता है क्या होता है, लाइट हमेशा डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। कभी कभी वो पार्टिकल कण की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी तरंग के भांति वो व्यवहार करता है। ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। और इसके बारे में हम आपको और भी बताएंगे। फोर पॉइंट हो गया। अब देखिए, डुअल नेचर का मतलब तो आप समझ गए हैं कि कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है, मतलब कभी कभी कण के भांति व्यवहार करता है, कभी कभी तरंग के भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो द्वैती प्रकृति, प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। फिफ्थ नंबर देखिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनता है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। जानते हो ये क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नेसेसरी नहीं होता। ये बिना मीडियम के ही ट्रेवल कर लेती हैं, ये बिना माध्यम के ही चल देती हैं। जैसे प्रकाश होता है ना, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम लोग कभी भी जैसे मोबाइल यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, हम लोग क्या लैपटॉप यूज करते हैं, ये सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मतलब इनको चलने के लिए, मूव करने के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग कॉल करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसमें नेट होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, मतलब इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के ही क्या होती हैं। और इनका वेग लगभग जो होता है ना, वो प्रकाश, इनका जो वेग होता है अप्रॉक्स, वो लाइट के स्पीड के इक्वल होता है। और लाइट की स्पीड आप जानते हो 3×10^8 m/s या 3 lakh km/s होता है, ठीक है ना। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है एक वेव है जिसको क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो विदाउट मीडियम क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट मीडियम ट्रेवल्स, ठीक है ना। अब आते हैं और इसके बारे में तो हम समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सन होना चाहिए SUN। द सन इज मेजर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? द सन इज मेजर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। जो सूर्य होता है वो क्या होता है, एक अति आवश्यक प्रकाश का स्रोत होता है, मुख्य प्रकाश का स्रोत होता है। सूर्य जो होता है सबसे बड़ा मुख्य प्रकाश का स्रोत होता है, ठीक है ना। मतलब ये कहने का मतलब ये होता है कि ये प्रकाश यहीं से, सूर्य सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रकाश जो प्राप्त होता है वो सूर्य के किरणों के द्वारा ही प्राप्त होता है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये क्या बोलता है। इट इमिट्स इट्स ऑन लाइट, मतलब ये अपने प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इमिट्स मतलब उत्सर्जित करता है, ऑन लाइट मतलब अपने प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जैसे सन के अंदर कहीं से लाइट हम ला के डालते नहीं हैं, सन में ऐसा नहीं कि हम पहले लाइट डालते हैं फिर सूर्य प्रकाश हमें देता है। उसके अंदर इट्स क्या होता है, क्या होता है, इट्स इमिट इट्स ऑन लाइट, इट्स इमिट्स इट्स ऑन लाइट। वो अपने अंदर के ही प्रकाश को क्या करता है, आपतित करता है या हमें क्या करता है, ऑब्टेन करता है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, तो इनके अंदर ऐसा नहीं कि हम कहीं से प्रकाश लाते हैं और ले जाके डालते हैं तब ये जलना प्रारंभ करता है। ये अपने आप स्वतः जलते रहते हैं, इनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है।
मतलब कि इन्हें किसी प्रकाश की आवश्यकता, ये खुद अपने प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ये चीज़ को जानना बहुत इम्पोर्टेंट अपने लिए था। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझेंगे मेरे बातों को कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैन इज क्रिएटेड मैनी सोर्स, मैन इज क्रिएटेड मैनी सोर्स ऑफ लाइट, एग्जाम्पल LED, CFL, ट्यूब लाइट, कैंडल्स, etc. अच्छा बेटा, इसके बाद मतलब समझिए, मैन जो होता है कई प्रकार के प्रकाशों को उत्सर्जित करता है। मनुष्य, मानव कई प्रकार के प्रकाशों को उत्सर्जित करता है, LED, CFL, ट्यूबलाइट, कैंडल्स। अच्छा बताओ, LED का मतलब क्या होता है पूरा? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। खैर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें 11th में, 12th में, 12th में पढ़ना है, बट हम हो गया अभी बेसिक, थोड़ा सा समझ गए LED, CFL, ट्यूब एंड कैंडल्स। हो गया एंड पार्शियली थ्रू, हो गया सॉरी, ट्यूबलाइट कैंडल्स हो गया ना। अब देखिए, अब अच्छे समझिएगा कि जो लाइट इजीली ट्रांसफ़र थ्रू, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो लाइट होती है, जो प्रकाश किरणें होती है, पारदर्शी माध्यम में क्या करती है? पारदर्शी माध्यम को आर पार करती है। जैसे हमारे घर में ग्लास लगा होता है, कांच लगा होता है ना, उसमें जब हम टॉर्च के फोकस करते हैं तो रे इस पार से उस पार चला जाता है, आर पार हो जाता है। तो हमेशा जो लाइट रे होता है वो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी माध्यम में क्या होती हैं? पारदर्शी माध्यम को परावर्तित मतलब आर पार हो जाती हैं। ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इजीली इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल की बात करूं, कि जैसे हमारे पास ये वॉच का कांच है, तो इसमें जब लाइट को हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे, तो लाइट क्या होगी? ट्रांसपेरेंट मतलब इस पार से उस पार, इसमें ट्रांस मतलब इसमें ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है ना, एंड पार्शियली थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है ना, लाइट कैन नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ओपक्यू मटेरियल। ओपक्यू मटेरियल मतलब ओपक्यू मटेरियल का मतलब हो गया अपारदर्शी माध्यम। प्रकाश किरणें जो होती हैं अपारदर्शी माध्यम को आर पार नहीं कर सकती हैं, मतलब अपारदर्शी माध्यम के पार नहीं जा सकती हैं। ठीक है ना, लाइट कैन नॉट बी, ठीक है ना, ट्रांसमिटेड थ्रू द ओपक्यू मटेरियल्स। जैसे लाइट को हम किसी, जैसे लकड़ी में यदि हम प्रकाश को जलाएं तो प्रकाश किरणें आर पार नहीं कर पाती, ठीक है ना। और यदि जैसे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स की बात करें, कोई प्लास्टिक ले लें, जैसे हम आपको एक एग्जांपल की बात बताएं, जैसे हम अपना एक बुक ले लें, इसके ऊपर हम लोग क्या करें? यदि हम लोग लाइट रे को फोकस करेंगे तो लाइट रे क्या हो जाएगा? इस पार से उस पार परावर्तित नहीं हो पाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो लाइट रे क्या होती हैं? उन माध्यम में, जिन माध्यम में प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो पाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओपेक्यू मटेरियल बोलते हैं। ओपेक्यू मटेरियल या अपारदर्शी माध्यम, क्या बोलते हैं? ओपेक्यू मटेरियल आर अपारदर्शी माध्यम। तो आप मेरे बातों को समझ गए होंगे कि लाइट्स क्या होता है, आप ये समझ गए हैं इट्स प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैं अब आपको समझाने वाला हूँ, अभी हम लोग जस्ट कुछ टाइम में बात करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने आपको लाइट बता दिया, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना, लाइट के क्या क्या उसमें मतलब कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम आते हैं और समझते हैं क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग टीच कर। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी बात किया था ना आपको कि क्या पढ़ाना अपने को, प्रकाश का परावर्तन, क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, ये चीज को अच्छे से समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब किसी प्रकाश को हम क्या कहते हैं, जब किसी प्रकाश को हम किसी आपतित या परावर्तित पृष्ठ पर, जब किसी प्रकाश को हम परावर्तित पृष्ठ पर आपतित करते हैं और प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर एक बार समझिए, हिंदी में लिखिए भी इसको, नोट्स में लिखते क्या लिखोगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आपतित होते हुए और परावर्तित पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। किसी प्रकाश किरण का परावर्तित पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही
प्रकाश का परावर्तन है। फिर एक बार समझिए, किसी प्रकाश किरण का परावर्तित पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है ना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड, मतलब ये लाइट देखो आपतित किरण है ना, आपतित मतलब एक टॉर्च को ले लें और यहाँ पे हम मिरर पे जलाएं। देखो कोई भी मिरर बनता है घर पर तो उसके दो पृष्ठ होते हैं, एक पॉलिश सरफेस होता है रंगा हुआ भाग रज्जित भाग, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसको परावर्तित पृष्ठ बोलते हैं, परावर्तित पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम किरण कहाँ पे डालते हैं, रे को कहाँ पे फोकस करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। यदि पॉलिश सरफेस पे आप करोगे तो ऐसा इवेंट होगा ही नहीं, मतलब देखो आपतित किरण बोलते हैं इसको, इसको परावर्तित किरण, इसे आपतन बिंदु और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसे जो जैसे टॉर्च को फोकस करोगे तो जो रेस फॉल डाउन होगी फॉलिंग होगी उसे इंसिडेंट रे बोलोगे, जो क्या हो जाएगा रिटर्न बैक रे होगी उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे, और उसके इंसिडेंट ऑफ माइंड बोलोगे और इसे नॉर्मल बोलोगे, ठीक है ना। तो आप मेरे बातों को समझ गए होंगे, आपतित किरण क्या हो गई, परावर्तित किरण या आपतन बिंदु और ये अभिलंब हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया। अच्छा बताओ इंसिडेंट रे क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे का डेफिनेशन क्या हो गया, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जिस प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण पृष्ठ पर आपतित होती है डाली जाती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। मैंने क्या बोला, जो प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है डाली जाती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। इसको हिंदी में लिखते भी रहिए, रिफ्लेक्टिंग रेज क्या होती है, क्या बोलोगे बताओ, द रे ऑफ लाइट रिटर्न बैक इन द मिरर, द रे ऑफ लाइट रिटर्न बाय द मिरर इन द सेम मीडियम, द रे ऑफ लाइट रिटर्न बाय द मिरर इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जब प्रकाश की किरण क्या होती है मिरर से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उस किरण को प्रकाश किरण बोलते हैं। जो किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब ये भी अपना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप क्या बोलोगे, नॉर्मल, नॉर्मल क्या बोलोगे बताओ, नॉर्मल क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है, ये जहां पे ये रे फॉल होती है स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट रे जहां पे स्ट्राइक होती है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या बोलोगे, स्ट्राइक ऑन द मिरर दिस पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो आप लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को ले लोगे, क्या लोगे, क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द मिरर, स्ट्राइक ऑन द मिरर दिस पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। लिख लेना इस डेफिनेशन को, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अच्छा नॉर्मल क्या बोलोगे बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जिसमें जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसी को नॉर्मल बोलते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु पर जो हम लोग लंब रेखा एक लंबवत रेखा खींचते हैं इसे अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंबवत रेखा खींचते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो अपने को समझ में आ गया, एक प्लेन मिरर हो गया, समतल दर्पण हो गया, ये पॉलिश सरफेस होता है, कोई भी मिरर में दो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश सरफेस, हमेशा रे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डालते हैं, ठीक है ना। तो अपने को ये समझ में आ गया ना, अपने को डिफिनेशन समझ में आ गया। अब बताओ ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या होता है बताओ, एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब क्या बोलोगे, आपतन कोण, आपतन कोण क्या बोलोगे परिभाषा, जल्दी बताओ, आपतन कोण, आपतन कोण को क्या परिभाषा बोलोगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे,
एंगल ऑफ इंसिडेंट इट इज डिवाइडेड बाय आर, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। क्या बोला, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट इट इज डिवाइडेड बाय आर, ठीक है ना। फिर क्या होता है बताओ ऐसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है जल्दी बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, परावर्तन कोण, क्या बोलोगे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल को किससे करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को किससे, आई से डिनोट करते हैं। तो ये तो अपने को समझ में आ गया होगा ना, अपने को नॉर्मल समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसको क्या होता है, लॉज ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे तो मैनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, बट स्पेशली दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। पहला क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइ इन द सेम पॉइंट, क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइ ऑन द सेम पॉइंट ऑन द प्लेन। हिंदी में क्या बोलोगे, पहला कोण क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख रहे हो मैं, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द प्लेन, ये चीज आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्या होता है, रूल क्या है, सेकेंड रूल क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड। मैंने क्या बोला, एंगल बिटवीन इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड, मतलब जो एंगल आई होता है और एंगल आर भी क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ जो होता है ऑलवेज इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। क्या बोलोगे, फर्स्ट रूल क्या होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइंग इन द सेम पॉइंट ऑफ द प्लेन, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, इंसिडेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित किरण सदैव परावर्तित किरण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतित किरण सदैव परावर्तित किरण के बराबर होता है। बेटा जानते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एक क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। चूंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है तो मैं बता दे रहा हूँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होती है तो उससे जब हमें उसके सरफेस पे जब क्या करते हैं, रे को इंसिडेंट करते हैं और रिफ्लेक्टेड होता है, तो ये क्या होता है, स्मूथ होता है, तो ये आई और आर ऑलवेज सेम होते हैं। लेकिन जब क्या होता है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ नहीं होता है, ठीक है ना, स्मूथ नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है, मतलब क्या होता है कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है ना, ब्रेकिंग होता है, बीच में टूटा होता है, तो उस समय जब एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा, और इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो एक क्या होगा, वो एक डिफिनिट इमेज होगा। लेकिन जब इरेगुलर सरफेस द्वारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिफिनिट इमेज नहीं होगा, उसका शेप साइज कोई भी डिफिनिट नहीं होगा,